नमस्कार, तो मैं आशीष और आप देख रहे हैं आसम ब्लॉग्स के। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं दतिया और वहाँ पर कुछ काम है, एक दो मीटिंग है, तो वहाँ पर पहुँच के सारी डिटेल आपको बताएंगे। अभी रुके हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, सुबह सुबह जल्दी निकल आए घर से हमारे पवन भैया और हमारे रमाकांत भाई साहब। मैं आया हूँ यहाँ पे अपना सर्किट हाउस पे दतिया और यहाँ पे पवन भैया हैं साथ में अपने शिवाजी, इनका प्रॉपर्ट शिवाजी राजा परमाधौरी और ये मनीष यादव है ना। तो ये लोगों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, अगर किसी को कुछ काम हो यहाँ पर तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। हमारे मंडल अध्यक्ष इनका जन्मदिन है। आप तो रेल बजे का कार्यक्रम बज रहा हूँ कार में क्या हुआ, मैं गया था दतिया और वहाँ पर पूरा मैंने प्रोग्राम देखा जो भी मैंने दिखाया आपको। उसके बाद मैंने एक दो मीटिंग ज्वाइन की, उसके बाद मुझे एकदम से पेन होने लगा था बैक में, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। और उसके जस्ट बाद मतलब पूरा दिन मुझे ऐसे ही निकल गया दर्द दर्द में। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ग्वालियर के लिए गया, मैं भर्ती हो गया, दो दिन के लिए रहा वहाँ पर। तो दो तीन दिन से इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना अच्छा हो सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना। तो पूरा एक्सपीरियंस मेरा जो भी रहा इन तीन चार दिन का पूरा मिक्स करके मैंने ब्लॉग बनाया। आई होप आपको पसंद आएगा, बने रहिए ब्लॉग के साथ। पूरा भी दिखा रहा हूँ आपको पूरा हॉस्पिटल वाला सीन। उसके बाद मैंने और वहाँ पे एक ब्लॉग शूट किया, इसके जस्ट बाद वो ब्लॉग में डालूंगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े करिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने दो तीन दिन से वीडियो नहीं डाली है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। मुझे यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी इन्फेक्शन हुआ था यूटीआई का, तो उसके चक्कर में मैं भर्ती हूँ, एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। बाकी यहाँ पे आके मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल ये जो आप देख रहे हो इसमें भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इसमें भाई साहब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई कमी नहीं है, मतलब कई गुना बेहतर बना हुआ है। तो ग्वालियर के अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस लेवल पर बन सकता है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुनते ही ऐसा आता है कि लाइन में खड़े रहो, गर्मी लग रही है, ये फुल एयर कंडीशनर है भाई साहब, मतलब छा गए गुरु, है ना। मतलब काम हो तो ऐसा हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें एक नंबर हो रही हैं और मैं ठीक भी होने वाला हूँ जल्दी से। तो ये ब्लॉग भी मैं जल्दी से एक आध दिन में अपलोड कर दूँगा, आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ। बाकी इस हॉस्पिटल को मैं पूरा अभी नहीं घुमा पाऊंगा क्योंकि मुझे दिक्कत है, मैं एक आध बार और आके दिखाऊंगा। और बाहर का जो भी सिस्टम है मैं दिखाने वाला हूं आपको। यहां का स्टाफ जो है वो बहुत वेल ट्रेंड है, डॉक्टर्स हैं वो तरीके से बात करते हैं, नर्स स्टाफ जो भी होता है वो भी सही से समझाते हैं और मतलब कोई भी चीज़ हो वो आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, है ना। एक अटेंडर गेट पर खड़ा मिलता है कि भाई अगर आपको कोई समस्या इमरजेंसी है तो वो सारी सुविधाएँ आपको अरेंज कराएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली यहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो गाइज अगर आपको यूरिन या कुछ भी दिक्कत आती है और अगर आपका इलाज इस हॉस्पिटल में इस बिल्डिंग में हो रहा है तो ये समझिए कि आपका काम हो गया, मतलब आपको परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी, बैठे बैठे काम हो जाना है ना। अगर आप फ्री वाले हो तो आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जाँचें वगैरह जल्दी हो जाएँ तो जो चीज़ एक हज़ार दो हज़ार में होती है वो बहुत ही कम दामों में 200-300 रुपये में हो जाए। अल्ट्रासाउंड 1500-1100 ऐसा होता है और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है 300 रुपये में और एक्सरे होते हैं 100 रुपये में। तो मतलब जो भी ये चार्जेस ले रहे हैं वो एकदम किफ़ायती है, लगेगा आपको कि हाँ ये लोग इतना मतलब कर रहे हैं आपके लिए। और जो भी चार्जेस है मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, मतलब फ्री देने के चक्कर में मतलब परेशान मत करो आदमी को, है ना। और ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। बने रहिए ब्लॉग के साथ, आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। आपको यकीन नहीं होगा गाइस, ये ग्वालियर में हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट है, काफ़ी सही फैसिलिटी है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके।